ये वीडियो भी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले दो वीडियोस में देखा कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होती हैं। पहले हमने देखा था कि करंट रेशियो के अंदर हम ये पता लगा लेते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक साल तक की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एक कंपनी की। क्विक रेशियो थोड़ी सी और कंजर्वेटिव हो जाती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कौन से ऐसे एसेट्स बहुत जल्दी बेच सकते हैं या उनको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम जिससे अपनी करंट लायबिलिटीज को क्विकली पे ऑफ कर सकें। अब कैश रेशियो उससे भी और थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती है, जिसके अंदर हम सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को लेते हैं, जिससे हमें यह पता लगे कि हम इमीडिएटली जो हमारे पास रेडी कैश अवेलेबल है उससे अपनी कितनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कैश रेशियो को ही थोड़ा अच्छे से समझेंगे और देखेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं एसेट योगी। सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमने लिक्विडिटी रेशियोज में पहले दो रेशियोज में एक तो करंट रेशियो देखा था। करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा था क्विक रेशियो होती है आपकी क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, करंट एसेट्स जो होते हैं वो आपके एक साल के अंदर जो भी कैश में या कन्वर्ट हो जाते हैं या कंज्यूम हो जाते हैं वो होते हैं आपके करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, आपके अकाउंट्स पेबल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। अब इनको मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया है करंट रेशियो में और क्विक रेशियो में, आप मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। फिर देखिए, करंट एसेट्स तो हमने बात कर ली कि एक साल की बात हो रही है, दैट मींस ये जो करंट रेशियो है ये आपको शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पोजीशन बता रही है कंपनी की। अब ये शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म है, ये एक साल का शॉर्ट टर्म हम मानते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्विक रेशियो आपका थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो जाता है कि हम ऐसे एसेट्स को कंसिडर करते हैं, खाली ऐसे करंट एसेट्स को जो इमीडिएटली सेल हो सकते हैं या फिर 2 से 3 महीने के अंदर सेल हो सकते हैं। तो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि आपके क्विक एसेट्स होते हैं कैश एंड डिपॉजिट्स, उसके बाद होता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपके क्विक एसेट्स होते हैं क्योंकि ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिसीवेबल्स भी आपके 2-3 महीने में आ ही जाते हैं तो ये भी आपके क्विक एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आप रिकॉल कर सकते हैं तो वो आपके 2-3 महीने में आ ही जाते हैं तो ये भी क्विक एसेट हो जाते हैं। फिर इन्वेंट्री जो होती है ये क्विक एसेट में कंसिडर नहीं होती है क्योंकि ये टाइम लग सकता है, आपका रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है या फिनिश गुड्स हैं वो इमीडिएटली सेल नहीं होंगे। फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया है, लेट्स से आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम एडवांस में भर दिया है, आपने कुछ अपने बिल्स एडवांस में भर दिए हैं या कुछ एम्प्लॉइज को सैलरी एडवांस में दे दी है, वो भी ऑब्वियसली आप इमीडिएटली ले नहीं सकते हैं वापस, राइट? तो ये भी आप इंक्लूड नहीं करते हैं क्विक एसेट्स के अंदर। अब बात आती है कैश रेशियो की। कैश रेशियो थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो जाता है। तो हमने यहां पे जो क्विक एसेट्स की बात करी थी इसके अंदर देखिए, एक तो हो गए आपके कैश एंड डिपॉजिट्स, ये इमीडिएटली कैश की फॉर्म में ही है, तो एक तो कंपनी के अंदर जो कैश है वो कैश की फॉर्म में है, डिपॉजिट्स आपके बैंक के अंदर है वो भी आप इमीडिएटली ले सकते हैं। तो कैश रेशियो क्या बात करता है, वो आपके ये जो क्विक एसेट्स हैं इसकी जगह कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात कर रहा है यहां पे। ये देखिए कि जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, यहां हम 2-3 महीने की बात कर रहे थे, यहां हम इमीडिएट बात कर रहे हैं कि कंपनी को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं उसको इमीडिएटली पे करनी है आज ही की डेट में, लेट्स से जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं सारे बैंक्स एक साथ कहते हैं कि भाई आप आज ही पेमेंट कीजिए या फिर आप जितना भी आपने एडवांस लिया हुआ है कस्टमर से तो कस्टमर कहता है मेरे को आज के आज ही अपना या तो सामान चाहिए या अपने पैसे वापस चाहिए, तो एकदम कंपनी की जो डायर नीड्स हैं वो पता चलती हैं कैश रेशियो से। तो अब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या हैं, ये हमने ऑलरेडी बात करी। एक तो कैश और डिपॉजिट्स आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। अब मैं ये क्विक एसेट्स यहां से हटा देता हूं। तो ऑब्वियसली देखिए, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आप बिल्कुल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में ले ही नहीं सकते क्योंकि वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होंगे नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी म्यूचुअल फंड्स में या फिर लेट्स से शेयर्स में, अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो उसको भी आप बेच के इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये भी आप ले लेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल्स इमीडिएटली नहीं आएंगे आपके पास क्योंकि इनको 2-3 महीने लग सकते हैं, आपने जिन भी कस्टमर्स को उधार दिया है पैसा वो आपको इमीडिएट नहीं मिल सकता तो ये भी आप कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आपको इमीडिएटली नहीं मिल सकते तो ये भी आप कंसिडर नहीं करेंगे।
तो सीधे सीधे कैश एंड डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आप कंसिडर कर सकते हैं कैश रेशो के अंदर। तो अगर कैश रेशो का मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कैश रेशो इज इक्वल टू कैश, जो इमीडिएट कैश अवेलेबल है, कैश या डिपॉजिट्स, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जो भी म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स होते हैं जिनको इमीडिएटली बेच के रिकवर कर सकती है कंपनी, वो ऐड कर देंगे आप, और उनको टोटल को करंट लाइबिलिटी से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको कैश रेशो मिल जाता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। तो ये देखिए, मान लीजिए किसी के जो करंट एसेट्स हैं किसी कंपनी के, वो ये करंट एसेट्स हैं, कैश और डिपॉजिट्स हैं लेट से 40 करोड़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 60 करोड़, अकाउंट रिसीवेबल हैं 35 करोड़, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हैं 20 करोड़, और इन्वेंट्री है लेट से 35 करोड़ की, और इसकी टोटल करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो 150 करोड़ के आसपास हैं। तो अब कैश रेशो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें? एक तो कैश एंड डिपॉजिट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो 40 करोड़ तो हम यहां ऐड कर देंगे, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात हो रही है यहां पे, तो हम ये भी ऐड कर देंगे, तो यहां पे 60 करोड़ ले लेंगे। रिसीवेबल्स हमको ऐड नहीं करने हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस भी नहीं करना है, और इन्वेंट्री भी नहीं करना है। डिवाइडेड बाई हम टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारी, 150 करोड़, तो यहां पे 150 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया आपका, 100 करोड़ ऊपर आ गया, 150 करोड़ नीचे आ गया, ये हो गया आपका 0.67। तो कैश रेशियो 0.67 का क्या मतलब हुआ कि ये जो 150 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं इनको 67% जो आपके करंट एसेट्स ऐसे हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में है वो कवर कर सकते हैं। तो 67% कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले, तो ये काफी कंफर्टेबल पोजिशन है। तो अब आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए कैश रेशियो का? तो देखिए, कैश रेशो पहले तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपको इमीडिएट लिक्विडिटी पोजीशन बताता है कंपनी की, लेकिन कोई आइडियल कैश रेशो नहीं है। जैसे हमने करंट रेशो की तो बात करी थी कि करंट रेशो आपका मोर देन 1.33 होना चाहिए, फिर हमने क्विक रेशो की बात करी थी कि ये मोर देन 1 होना चाहिए। अब कैश रेशो जनरली एक एनालिस्ट के लिए इतना मैटर नहीं करता है, बट एक बैंक के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जनरली लेंडर्स इसको कैलकुलेट करते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि कैश रेशो 0.5 या 1 के बीच में हो, मिनिमम एटलीस्ट इतना तो हो, तब कंपनी एक काफी स्टेबल है उनके हिसाब से, कंपनी उनके जो भी लोन्स हैं वो काफी आसानी से दे सकती है। अब देखिए, कैश रेशो अगर ज्यादा होगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर कैश रेशो ज्यादा है दैट मीन्स कंपनी अपने कैश को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि कैश उसके बैंक में ज्यादा पड़ा हुआ है, तो वो भी एक साइन ऑफ वरी हो सकता है। तो अगर कंपनी के अकाउंट में ज्यादा कैश पड़ा है, इससे अच्छा तो वो डिविडेंड्स बांट दे अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो, या फिर उस कैश को इन्वेस्टमेंट्स में लगाए, उस कैश को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाए जो थोड़े से अच्छे रिटर्न दें। तो बेसिकली कैश रेशो, जैसा मैंने हमेशा हर रेशो में ही बोलता हूं कि पूरी कहानी नहीं बताता है आपको, बट ये भी आपको हेल्प करता है पूरी कहानी समझने में, एक कंपनी की टोटल फाइनेंशियल हेल्थ समझने में। हाँ, अब कैश रेशो बहुत ही कम हो जाए, कंपनी के पास बिल्कुल ही कैश ना हो, तो वो भी एक साइन ऑफ वरी होता है। तो अगर मान लीजिए कैश रेशो, यहां मैं दोबारा से लिखता हूं इसको, कैश रेशो, कहीं आप करंट रेशो से ना कंफ्यूज हो जाएं, अगर कैश रेशो लेट से आपका 0.1 रह जाता है, तो दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ वरी। इतना कम भी कैश या कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होने चाहिए कंपनी के पास कि वो बिल्कुल ही अपने इमीडिएट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ना पूरा कर सके। तो आई होप कि आपको कैश रेशो का कंसेप्ट यहां पे समझ में आ गया होगा, और कैश रेशो बहुत ही ज्यादा कॉन्जर्वेटिव फॉर्म है। तो अगर आप जब एनालाइज करते हैं किसी कंपनी को, तो मेरे हिसाब से करंट रेशो और क्विक रेशो आप एनालाइज करते हैं तो वो सफिशियंट होता है, बट फ्रॉम अ बैंक्स पॉइंट डेफिनेटली कैश रेशो थोड़ी मैटर करती है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी कैश रेशो अच्छी बना के भी रखनी चाहिए अगर आपकी ये खुद की कंपनी है तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।